और मेरी मुस्कान में क्या फर्क है? आप खुश होकर मुस्कुराते हो और आपकी खुशी को देखकर मैं मुस्कुराती हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है दीपा शर्मा और आप सबका मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी होंगे, है ना दोस्तों? तो दोस्तों आज का जो नया हमारा टॉपिक है उसके साथ में मैं तैयार हूँ आप सबसे बात करने के लिए। तो जो टॉपिक है वो ये कि भाई पता नहीं क्यों लेकिन किसकी नज़र लगी या क्या हुआ हमारे साथ कि हम कभी खुशी नहीं रह पाते, है ना? हमेशा हमें तकलीफ़ें रहती हैं, हम बहुत ही अपने आप को अनहैप्पी फील करते हैं, है ना दोस्तों? तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हम अपने आप को अनहैप्पी क्यों फील करें और हर वक्त अनहैप्पी नहीं रहे और अपने आप को खुश करें। उन सबको लेकर ही कुछ सिंपल टिप्स आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ दोस्तों, जो आपके कहीं क्या बहुत काम आने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना और देखना दोस्तों कि आपको कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता चलेंगी। कुछ कुछ है आपको जो पता है पहले से, मगर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ओके, जिसमें दोस्तों सबसे पहला ये है कि ना आप ना दूसरों को फॉलो मत करो। आपने देखा होगा कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है, कोई कुछ है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि वो ये काम कर रहा है तो इसका मतलब हम भी इस चीज़ में जाते हैं, हम भी उस चीज़ को काफ़ी बढ़िया कर सकते हैं, है ना, सोचते हैं ना। मगर दोस्तों पता है हमारी एक अलग ही चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग कामयाब हैं या जो जिस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हम भी अगर उसी में जाएंगे तो हम भी बहुत अच्छा करेंगे। यार हमारे लिए भी कुछ बहुत अच्छा हो सकता है कि उसके बाद में हमारे उस आर्ट को या हमारे उस टैलेंट को ना लोग कहेंगे हाँ वो बंदा उस चीज़ में बहुत बढ़िया है, है ना। तो दोस्तों सबसे पहला तो ये कि हमें औरों को फॉलो नहीं करना, अपने दिल की सुननी है कि हमें क्या पसंद है, हमें क्या अच्छा लगता है। ओके, तो ये चीज़ आपको करनी है। ऑलराइट दोस्तों, पर दोस्तों हम ना सिर्फ ना कंप्लेन करने भी रह जाते हैं कि हमारे पास अच्छी फैमिली नहीं है, हमारे पास अच्छा घर नहीं है, हमारे पास अच्छे रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही है। मतलब खाली क्या हो रहा है दोस्तों, सिर्फ जो चीज़ नहीं है उस पर फोकस कर रहे हैं, मगर दोस्तों जो चीज़ है कम से कम उसको तो देखें सबसे पहले। और दोस्तों मैं इस चीज़ में पूरा यकीन करती हूँ कि हमें हमारे पास जो है पहले हमें उसी से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ना एक बार शुरुआत करना ही ज़रूरी है। तो कभी भी दोस्तों आपके पास जो कुछ अवेलेबल है आप उसी से आप शुरुआत करो और जो नहीं है उसको छोड़ के जो है उस पर फोकस करो। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि आप रॉन्ग चीज़ों पे अगर फोकस करोगे ना तो आपकी जो लाइफ का जो डायरेक्शन है वो भी ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो अपने डायरेक्शन को आपको करेक्ट करना है, ऑलराइट? तो ये आपको करना है। और अगला क्या है दोस्तों, कई बार क्या होता है ना, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो चीज़ें हमारे बस में नहीं है ना, हम उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं उनको ठीक करने के लिए कि बस किसी तरह से बस ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन दोस्तों कहीं ना हमें रुक के सोचने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है ना हमें उनके बारे में नहीं सोचना, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है, जो चीज़ों को हम कर सकते हैं हमें उनके बारे में सोचना है। क्योंकि जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, हमसे बने नहीं सकते हैं वो चीज़ें, तो उनको वैसे ही छोड़ दो। और क्या होता है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों पता है आपको हर चीज़ों में ना कुछ अच्छा चीज़ ज़रूर छुपा रहता है। वो चीज़ को जब हम देखना अगर सीख जाएंगे ना दोस्तों काफ़ी हद तक आपको हेल्प होगी इस चीज़ की। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ दो और जो है उसको लेके हैप्पी रहो। ओके, ये बहुत ही सिंपल फंडा है दोस्तों ज़िंदगी का, अगर हम अपनाएं ना तो सचमुच यही फंडा हमें बहुत आगे लेके जा सकता है। बिल्कुल। एक दोस्तों क्या होता है ना, हम उम्मीदें बहुत पाल लेते हैं। हमने इतना बड़ा काम किया है, मैंने इतनी अच्छी कविता लिखी है, लोग मेरी बहुत तारीफ़ें करें, मैंने इतना अच्छा काम किया है, लोग मेरी तारीफ़ करें, मैंने इतना बड़ा घर लिया, मैंने इतना बड़ा बिज़नेस सेट किया, मैंने इतने सारे अच्छे मार्क्स लेके आए एग्ज़ाम्स में, मैंने टॉप किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मतलब हम चाहते हैं कि लोग हमें बहुत ही तारीफ़ करें। भैया क्यों करेंगे? और कोई लोगों को काम नहीं है, उनकी अपनी ज़िंदगी नहीं है, उनको अपने काम धंधे कुछ नहीं है, वो आपको ही क्यों करेंगे सारे वक्त, है ना? तो दोस्तों, और कई बार हम ये भी सोचते हैं कि नहीं वो हमारे अकॉर्डिंग ऐसे एक्ट करे, हम जैसे चाहते हैं, मैं जिस टाइम चाहता हूँ वो उस टाइम गुस्सा करे, मैं जिस टाइम चाहता हूँ वो ऐसे करे, ऐसे। भैया हम कंट्रोल थोड़ी कर रहे हैं लोगों को, लोगों की अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी, अपनी पसंद है। तो ऐसा नहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं करनी लोगों से, क्योंकि क्या होता है जितनी ज़्यादा हम उम्मीदें करते हैं ना उतने ज़्यादा हम दुखी होते हैं। और उम्मीदों का तो वैसे भी दोस्तों नहीं करो तो बेहतर है, ऐसे ही रहो, खुश रहो, जो कर दिया, नहीं करा नहीं करा, ओके जी हैप्पी है बस, बिल्कुल। ओके, तो इस चीज़ पे जरूर ध्यान देना। ओके, तू अचानक मिल गई तो कैसे पहचानूंगा, तू अचानक मिल गई तो तुझे कैसे पहचानूंगा, ऐ जिंदगी अपनी एक तस्वीर तो भेज दे, ऐ जिंदगी अपनी एक तस्वीर तो भेज दे। है ना, जिंदगी इतनी खूबसूरत है दोस्तों। अब बस क्या होता है, हम चीज़ों में उलझ के ना उसे हमने बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर दिया है, बहुत ज़्यादा ही। कभी ना आराम से तसल्ली से कभी इस चीज़ को लेके सोचना कि
क्या कर रहा है यार, हमने क्या कर रहे हैं फालतू की टेंशन में रखे, है ना, खुश भी रह सकते हैं दोस्तों। ऐसे भी बहुत सारी खुशियों के बहुत सारे रीज़न हैं अगर आप खुश रहना सीखो तो। ओके हम ना हमेशा दूसरों को कंपेयर करते रहते हैं, है ना, दूसरों की कंपैरिजन में जुटे रहते हैं कि यार वो इतना बढ़िया कर रहा है यार, मैं नहीं हो पा रहा यार, वो इतना अच्छा बोलता है यार, मैं नहीं बोल पाता यार, वो इतना कॉन्फिडेंट है यार, मैं नहीं हूँ यार, वो इतना सुंदर खाना बनाता है, वो इतना अच्छी चीज़ें करता है, वो इतना अच्छा पढ़ता है, वो इतना बढ़िया चीज़ों को लर्न कर पाता है यार, मैं नहीं कर पाता यार, मुझसे नहीं होता यार, मुझसे नहीं होता, मतलब हर वक्त ना दोस्तों जो ये कंपेयर करते हैं ना हम लोग, ये दोस्तों कहीं ना हमें बहुत परेशानियां देता है, क्योंकि दोस्तों कंपैरिजन करने में कुछ भी नहीं रखा है दोस्तों, कुछ भी नहीं। आप देखो भगवान जी ने कहीं पे कंपैरिजन करी है किसी चीज़ के साथ में? भगवान जी ने सबको अपने हिसाब से बिल्कुल अलग बनाया है, है ना। देख लो हमारे फिंगरप्रिंट्स की कभी मैच नहीं होती, दुनिया में हर आदमी की अलग अलग फिंगरप्रिंट्स है, वो भी इनफैक्ट मैच नहीं होती, कुछ ना कुछ फ़र्क हमेशा होगा। तो देखो दोस्तों जब वहाँ पे किसी चीज़ का फ़र्क नहीं है, आप अपने आप में बिल्कुल यूनिक हो, मैं अपने आप में यूनिक हूँ, हम सब अपने आप में यूनिक है दोस्तों, तो फिर अपने आप को किसी और से कंपेयर करने में कुछ नहीं रखा है दोस्तों। हम अपने साथ में बहुत खुश हैं, हम अपने आप को ही निखारें, अपने आप को ही उभारें, अपने आप के ऊपर काम करें, क्योंकि वही दोस्तों हमें काम देगा ज़िंदगी में, कोई और चीज़ हमें काम नहीं देंगी। ओके तो ये जरूर करना, कभी भी किसी के साथ में कंपेयर नहीं करना, अपने आप को खुश रखना। ओके सबसे बढ़िया गिफ्ट दोस्तों हम अगर अपने आप को दे सकते हैं ना, वो पता है क्या है? वो हम खुद, यानी कि बी योरसेल्फ। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि हमारे जो टाइम है, हमारी एनर्जी है, हमारा कमिटमेंट है, हम हर चीज़ों के लिए जो सोचते हैं, अपने लिए जो कुछ हमने करा है या जो कुछ हम कर रहे हैं या करने वाले हैं, कुछ भी चीज़ें दोस्तों हम अपने लिए कर रहे हैं, तो अपने आप को बेहतरी बनाना है दोस्तों। तो ऐसा नहीं दोस्तों कि फालतू में हम किसी चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा परेशानियाँ लें, कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, खुश रहें और हैप्पी रहें दोस्तों। कहते हैं ज़िंदगी के रंगमंच पे ना अपना किरदार इतनी शिद्दत से निभाओ, ज़िंदगी के रंगमंच पे अपना किरदार इतनी शिद्दत से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी आपके लिए तालियां बजती रहें। बिल्कुल दोस्तों, तो हम अपनी तरफ से हम जो कर सकते हैं उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरे इमोशन के साथ में बिल्कुल उसको महसूस करके करें दोस्तों। बिल्कुल, क्योंकि जब हम अपने ऊपर सोचने लगते हैं ना, तब हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, तब हम बहुत ही दिल से खुश हो जाते हैं दोस्तों। ओके तो यही सब कुछ पॉइंट थे दोस्तों आप सबके साथ में शेयर करने के लिए, कि हम अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं और अपने आप को ये जो अनहैप्पी वाली जो स्टेज होती है ना दोस्तों, उससे निकाल के ना खुद को खुश रखने के बहुत सारे तरीके हैं अगर हम करना चाहें तो। ओके तो यही सब था आज के हमारे वीडियो में, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो बहुत जल्द मिलूंगी आपको नए वीडियो के साथ में। तब तक क्या करना है, तब तक आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है, और क्या करना है, हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे और मुझे फेसबुक पे भी आपको फॉलो करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओके तो बहुत जल्द मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक यस 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 बिंदास। ओके चलो बाय।